Three identical capacitors C1, C2, and C3 of capacitance 6 mu farad each are connected to a 12 volt battery. ये देखो, तो देखो ये जो इनिशियल फाइनल पॉइंट है ये इस C3 के लिए सेम है और C1, C2 के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए भी सेम है. तो इसके पास वोल्ट 6 म्यू फैरेड है और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 12 वोल्ट भी है और तीनों के कैपेसिटेंस सेम है. तो इन दोनों के पास मिला के 12 वोल्ट है, पर क्योंकि दोनों के कैपेसिटेंस इक्वल आ गई है, इसके पास भी 6 म्यू फैरेड है और 12 का डिवाइड होगा ना 6 वोल्ट और 6 वोल्ट में 6 वोल्ट. ध्यान रखना आधा आधा इसलिए बटाए क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है, नहीं तो जिसके पास कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है उसे वोल्टेज कम मिलता है. नाउ फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. अब Q1 निकाल लेते हैं पहले. C1 V1 कितना आया, 6 × 6 36 म्यू कूलम. Q2 भी आंख बंद करके बिना सोचे लिख देना क्योंकि सीरीज में है, सॉल्व करने तो नहीं है, इन सीरीज सीरीज में चार्ज सेम रहता है. और Q3 क्या होगा, 12 × 6 दैट इज 72 माइक्रो कूलम. हमने पहला पार्ट कर लिया, हर एक चार्ज कैपेसिटर पे चार्ज निकाल लिया. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, ये सीरीज में है और C3 के साथ पैरेलल में है. C1 सीरीज C2 पैरेलल विद C3, यानी कि 6 सीरीज 6 पैरेलल विद 6. 6 सीरीज 6 क्या होगा, 6/2, 3 पैरेलल 6 क्या होगा, 9. दैट इज द आंसर. पैरेलल में ऐड कर देते हैं. अब आता है एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स, हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू वी स्क्वायर. सी इक्विवेलेंट कितना आया हमारा, 9. वी स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर, दैट इज हाफ 9 × 144. 72 ले लें, 648 माइक्रो जूल. दैट इज द फाइनल आंसर.